उधम सिंह नगर के बाजपुर एसडीएम कार्यालय पर मंगलवार को इकट्ठा हुए बुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर डॉक्टर अजय रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बुक्सा जनजाति के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति को संबोधित एसडीएम आरसी तिवारी को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की हल्द्वानी विद्या शाखा के प्राचार्य एवं निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से साल 1949 तक नाम से लिखी गई पुस्तक में बुक्सा जनजाति के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। यही वजह है कि बुक्सा जनजाति के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बुक्सा समाज की तमाम समितियां पैदल मार्च का विरोध जता चुकी हैं, जिन्होंने डॉक्टर अजय रावत द्वारा लिखी गई इस पुस्तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, लेखक और प्रकाशक के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत कार्यवाही की भी मांग की है। वहीं इस मामले पर बीजेपी जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी महेंद्र सिंह ने इसको लेकर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लेखक ने अपनी किताब में बुक्सा जनजाति के लोगों को लोहार बताया है, जबकि वे राजपूतों के वंशज हैं। उन्होंने लेखक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग की है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो ये हमारा दर्द है, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है अजय रावत के द्वारा, जिसमें हमें जो है लोहारों का वंशज बताया गया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। हम लोग राजपूत, क्षत्रिय राजपूत राजपूत के वंशज हैं, और उन्होंने जो पुस्तक में दर्शाया है कि हम लोहारों की वंशज हैं, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अजय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या बुक्सा समुदाय में लोहार व्यवसाय का एक भी व्यक्ति आपको अगर मिले, या फिर किस आधार पे जो है आपने हमें लोहार बताया है, इसका ही घोर विरोध है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हम समस्त बुक्सा जनजाति के लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, जिसके निमित्त आज हमारा विशाल विरोध प्रदर्शन था, लेकिन आज शिवरात्रि होने के कारण और थाने में हमारे मूर्ति स्थापना के कारण आज हमने अपने प्रदर्शन को सूच में किया है। अगर इसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से